हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है भैया निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, इनका कारण क्या होता है, इनका निवारण क्या होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको ये दोष समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूँ, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा कि किस प्रकार वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है, परंतु आपको नहीं पता। तो जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार आप कीजिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। तो नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे 360p लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहां पे हमने लिख दिया है निकट दृष्टि दोष। अब इसका भैया सबसे पहले कि निकट दृष्टि दोष कहते किसे हैं उसको हम जानते हैं, जाना जाए कि क्या होता है। उसके बाद हम इसका कारण जानेंगे कि क्यों यह दोष होता है। उसके बाद इसका निवारण क्या है, इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, इस दोष को उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात आता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा बहुत ही सिंपल है कि ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो उस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आया ना। मतलब यदि हम इसका परिभाषा कहें तो ऐसा दोष, समझिएगा, ऐसा दोष जिसमें क्या होगा, निकट की जो वस्तुएं होंगी, निकट मतलब पास की जो वस्तुएं होंगी, निकट की जो वस्तुएं होंगी वो दिखाई देंगी, स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, परंतु परंतु दूर की जो वस्तुएं होंगी ना, दूर की जो वस्तुएं होंगी वो अस्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगी, दिखाई नहीं देती हैं। तो उस दोष को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहेंगे। मतलब निकट दृष्टि दोष, नाम तो है निकट दृष्टि दोष, परंतु भैया निकट की वस्तुएं इसमें दिखाई देंगी परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, तो उस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो बताइए आप डेफिनेशन कह सकते हैं ना कि ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं अस्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं अस्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, तो इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और यही तो हमने डेफिनेशन यहाँ पर लिखा है कि वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं अस्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं अस्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, नहीं देती हैं, तो उस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो बताइए आपको डेफिनेशन सबसे पहले तो समझ में आ गया होगा। अब हम जान लेते हैं कि भैया इस दोष का कारण क्या है, क्यों ये दोष होता है, ठीक है। तो इसका हमने यहाँ पे लिखा है कि निकट दृष्टि दोष का कारण। अब भैया यहाँ पे इसका दो मुख्यतः कारण होता है। सबसे पहला कारण होता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। मतलब अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसका बढ़ जाना, बहुत अधिक बढ़ जाना, ये इसका पहला कारण होता है। दूसरा भैया कि जो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जो नेत्र गोलक होता है उसका भी लंबा हो जाना, ये दो मुख्य कारण है इस दोष के होने का। अब जाता है दूसरा भैया कि निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या है, इस दोष का निवारण क्या है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो भैया याद रखेंगे भैया, इस दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस का भैया, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसीलिए हमने लिखा है कि इस दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब ये अवतल लेंस क्या करेगा, जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होगा उसको ना ज्यादा बड़ा करेगा ना ही ज्यादा छोटा करेगा, उसको सामान्य कर देगा, ठीक है, जिसके कारण जो प्रतिबिंब होगा वस्तु का वो रेटिना पर बनेगा और स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देगा। तो आशा करते हैं कि आपको सबसे पहले परिभाषा, इसका कारण और इसका निवारण, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है और सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास टेंथ हो या क्लास ट्वेल्थ, तो उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सिक्वेंस में मेक करके वीडियो मिले और मैं वहाँ से जाकर अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूँ। यदि आप भी चाहते हैं तो आपके लिए या तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ से उसकी पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है, जिस क्लास को आपको पढ़ना है। या आपको नहीं पता कि प्ले लिस्ट कहाँ पर है, कैसे हम ढूंढ कर पढ़े, तो आपके
सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए। आपको किसी भी क्लास का पढ़ाई करना है, चाहे क्लास टेंथ हो या क्लास ट्वेल्थ या अदर कोई भी क्लास, तो मान लेते हैं आपको क्लास टेंथ का पढ़ाई करना है, तो आप लिखिए क्लास टेंथ फिजिक्स केमिस्ट्री आल वीडियो लिंक, अब मैसेज कर दीजिए। या क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स केमिस्ट्री आल वीडियो लिंक, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का दो लिंक मिलेगा, वहां पे उस लिंक पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको चैप्टर वाइज सिक्वेंस में एक एक करके पार्ट वन पार्ट टू करके आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।